स्टूडेंट गुड मॉर्निंग टुडे आई एम गोइंग टीचिंग यू स्टैंडर्ड थर्ड सब्जेक्ट एनवायरनमेंट लुकिंग अराउंड बुक थ्री सो ओपन दिस बुक एंड चैप्टर नंबर सिक्स फूड वी ईट जो मैंने आपको यहाँ तक कंप्लीट करवाया है लास्ट पीरियड में एंड नाउ टुडे स्टार्ट दिस पेज नंबर 40 विपुल्स फैमिली सो यहाँ पे जो स्टोरी है वो विपुल की फैमिली के बारे में है देर आर फोर मेंबर इन विपुल्स फैमिली विपुल की फैमिली में कितने मेंबर्स है फोर देर आर सम मेंबर्स हु डू नॉट ईट व्हाट विपुल ईट्स डू यू थिंक दिस पीपल डू नॉट ईट और कैन नॉट ईट व्हाट विपुल ईट्स Why should this happen? So, जो उसके जो सदस्य है विपुल की फैमिली में जो विपुल खाता है वो उसके जो मेंबर सदस्य मेंबर से वो नहीं खाते हैं तो आपको ये सोचना है कि जो मेंबर से वो खाते हैं सो विपुल जो खाता है वो क्यों नहीं खाते हैं Why should this happens? Let us read about विपुल्स family. So हम यहाँ पे उसकी family के बारे में कुछ रीड करते हैं While returning home from school, विपुल्स bought a भुट्टा भुट्टा means corn on the cob. So आप सबको पता है कि भुट्टा कैसा होता है So जब विपुल स्कूल से घर आता है तो ही वो विपुल क्या खरीदता है भुट्टा खरीदता है He reached home and asked his mother, where is Munni? I went to see her. और वो घर पहुंचता है और वो अपनी मम्मी से पूछता है कि मुन्नी कहाँ है So, मैं उसके पास जाना चाहता हूँ देखना चाहता हूँ जाके His mother replied, Munni is in the room upstairs. So, उसकी मम्मी जवाब देती है कि Munni ऊपर घर पर है विपुल catch his grandmother's hand and said, You also upstairs with me. विपुल है वो अपनी grandmother means दादी का जो हाथ है वो पकड़ता है और पकड़ लेती है और कहती है कि तुम भी मेरे साथ ऊपर चलो His mother stopped him. So, उसकी मम्मी है वो उसको रोक देती है आई हैव शॉक बास चपाटी इन दाल लेट हर फर्स्ट हैव हर मील सो मैंने जो बास की चपाती बनाई उसको दाल से मैंने भिगो दी है तो तुम पहले उनको खा लो Have you put sugar in the dal? Said Dadi to Vipul's mother. So, जो विपुल की दादी है वो उसके विपुल की मम्मी को कहती है कि तुमने दाल में शुगर डाली है I have tasted the dal. So, वो दाल को टेस्ट करती है It has been prepared well, replied विपुल्स mother. So, उसने अच्छी तरह से वो दाल प्रिपेयर की हुई थी सो ऐसे मैंने अच्छे से बनाई है वो जो विपुल की मम्मी आंसर देती है विपुल पिक अप हिज ग्रैंड मदर्स प्लेट एंड रन अपस्टेयर ही आस्क हर द फॉलोइंग हिम वीकली विपुल है जो अपनी ग्रैंड मदर्स की जो दादी की जो प्लेट है वो जल्दी से उठा लेता है और फिर वो ऊपर चला दौड़ के चला जाता है तो ही आस्केड हर टू फॉलो हिम क्विकली तो वो कहता है कि जल्दी से मेरा पीछा करो व्हेन आई वाज ऑफ योर एज आई कुड रन अप अ हिल इन द सेम टाइम से दादी तो दादी क्या कहती है कि मैं जब तुम्हारी उम्र की थी तब मैं दौड़ से ऐसे कहाँ हिल इन द सेम टाइम तब मैं पर्वत भी चढ़ जाती थी हिल मतलब पर्वत चढ़ना विपुल गेव द भुट्टा ही वॉज ईटिंग टू हिज मामी
विपुल है जो अपना बूटा है वो किसको देती है खाने के लिए, अपनी मामी को दे देता है। वॉश्ड हिज हैंड एंड लिफ्टेड लिटिल मुन्नी, और वो अपने हाथ है वो हैंड वॉश करता है और फिर वो अपने जो मुन्नी है छोटी सी मुन्नी को वो उठा लेता है। सडनली मुन्नी स्टार्टेड क्राइंग, और अचानक मुन्नी रोने लगती है। सी इज हंग्री, वो उसे भूख लगी है। सेड मामी, कौन कहते हैं, मामी कहती है। शी सेट डाउन टू फीड मुन्नी, और वो वहाँ पे बैठ जाती है और मुन्नी को खाना खिलाती है। सो थिंक एंड राइट, वाई वॉज दादी नॉट एबल टू क्लाइम द स्टेयर क्विकली, दादी क्यों जल्दी से स्टेयर में चिड़िया नहीं चढ़ सकती। तो सिंस दादी वॉज एज एड, यानी कि वो बड़ी उम्र की हो और वो कैसी है, सी वॉज वीक, और वो वीक भी है इसीलिए वो दादी नॉट अबल टू क्लाइम द स्टेज वीकली। सेकंड, हाउ डज दादी लाइक टू हैव हर डाल, सो दादी को दाल कैसी लगी, तो कि दादी लाइक हर डाल टू बी अ लिटल स्वीट, यानी कि उसको थोड़ी सी स्वीट सी लगी। विच काइंड ऑफ डाल डू यू लाइक, आपको कैसी डाल पसंद है, सो राइट आंसर गिवन हियर। नाउ नेक्स्ट पेज, हाउ मेनी पर्सन इन द स्टोरी कैन इट बुट्टा इजीली एंड व्हाई, कितने जो लोग हैं वो बुट्टा इजी से खा सकते हैं और क्यों। सो विपुल एंड हिज मदर एंड हिज मामी कैन ईट बुट्टा इजीली, सो वाई, सो देर इज अ यंगर एंड देर टीथ स्ट्रांग, देर टीथ इज अ स्ट्रांग एंड हेल्दी, सो कैन ऑल ओल्ड पीपल ईट बुट्टा, वाई, सो ओल्ड पीपल है वो बुट्टा, कैन ऑल ओल्ड पीपल ईट बुट्टा, वाई, सो ओल्ड पीपल यानी कि जो हैं वो बुट्टा खा सकते हैं क्यों, सो नो ऑल ओल्ड पीपल कैन नॉट बुट्टा बिकॉज कैन नॉट ईट बुट्टा बिकॉज मोस्ट दे टीथ हैव फेलन डाउन, सो उसके जो दांत है वो मोस्ट ऑफली गिर जाते हैं। नेक्स्ट, फॉर 4 मंथ मुन्नी विल हैव ओनली हर मदर्स मिल्क, डेट इज हर ओनली फूड, वाई, सो न्यू बॉर्न चाइल्ड डू नॉट हैव टीथ। नेक्स्ट, आस्क एंड राइट, सो व्हाट दे कैन ईट, आप क्या खा सकते हैं, एंड व्हाट दे कैन नॉट ईट, और आप क्या नहीं खा सकते हो। तो यहाँ पे देखो पिक्चर्स दी गई हुई है, चिल्ड्रंस, फिर है यंग एंड नेक्स्ट ओल्ड, सो चिल्ड्रन है वो चाइल्ड है वो क्या खा सकते हैं, तो मिल्क, लिक्विड, दाल एंड खिचड़ी, क्या नहीं खा सकते, तो कि कॉर्न ऑन द कोब, ग्राउंड नट्स एंड वेजिटेबल्स। यंग जो होते हैं वो क्या खाते हैं, तो कि एवरी थिंग दैट इज एडिबल, वो सब कुछ खा सकते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट ओल्ड है वो, सो दाल, राइस, मिल्क, रोटी एंड वेजिटेबल्स, और वो क्या नहीं खा सकते, तो कि ग्राउंड नट्स, कॉर्न ऑन द कॉब, फिर रो फ्रूट्स, सो ऐसा है जो ओल्ड पीपल नहीं खा सकते। सो दिस वॉज अबाउट थिंग्स दैट वी कैन और वी कैन नॉट ईट, डू वी ईट ऑल द थिंग्स दैट वी कैन ईट, नॉट ऑलवेज, लेट्स अस अबाउट दोज थिंग्स दैट वी डू ईट, पुट राउंड ऑन द थिंग्स दैट यू लाइक टू ईट ऑफ्टन मोस्ट, आपको सबसे ज़्यादा क्या पसंद है उसके बारे में यहाँ पर राउंड करना है। सो यहाँ पे दिया गया है राइस, व्हीट, बेरली, ग्रेम, मेज, मिलेट,
कप्पा, रागी, जो आपको एज यू मोस्ट लाइक, सो यहाँ पे राउंड करना है. ओके, सो होमवर्क है रीड द चैप्टर. आपको ये स्टोरी जो है विपुल फैमिली, सो ये रीड करनी है एंड गिवन दिस आंसर इन योर टेक्स्ट बुक.